बाय न्यूटन रैफसन मेथड, ये हमने सॉल्व किया और न्यूटन रैफसन से मैंने ये सॉल्यूशन निकाला हुआ है, मैं न्यूटन रैफसन से सॉल्व कर, ये हमारे पास सॉल्यूशन। आपने देखा कि थर्ड आइटेशन और फोर्थ आइटेशन पे हमारे पास ये फाइव और सिक्स डेसिमल प्लेसेस का सेम आ रहा है, ये ठीक हो गया ना, सिक्स डेसिमल प्लेसेस सेम आ रहे हैं, बल्कि ये ऊपर आगे भी किया हुआ है कि हमारे पास ये मुकम्मल सेम आ जाता है। और ये बड़ा मजे का क्वेश्चन हो गया, ये आपको एक चीज बता भी दूं कि ये देखें हमारे पास आ रहा है एक्स फोर, ये यहाँ पे टू टू आ रहा है, फिर टू वन आता है, फिर टू टू आता है, मैंने आपको बताया था ना, तो वी हैव टू टेक द मिड पॉइंट ऑफ दीज टू विच इज दिस वन। बाज औकात ये होता है, बड़ा बड़ा रेयर आता है ऐसा क्वेश्चन, बहुत रेयर, वरना क्या होता है ये टू टू आ गया, ये भी टू टू हो गया, या टू वन पे फिक्स हो जाएगा दोनों से इनकम, जब आपकी टू कंजेक्टिव आइटेशन में वो फर्क ऐसा आ जाए और वो दोबारा बार बार आना शुरू हो जाए तो क्या करते हैं, वी हैव टू टेक द मीन ऑफ दीज टू, तो दोनों का इनका मीन ले लें जो रिपीट हो रही है, तो आपका ये आंसर आपके पास है। ये देखा ना, टू वन फाइव नेक्स्ट वैल्यू आपके पास एक डेसिमल प्लेस से बढ़ जाता है, तो ये हमारे पास उसका रूट आ गया। हम कन्वर्ज कर चुके हैं एक्स सिक्स पे छठे रूम, अब आपने इसको खुद करना है, किस तरीके से करना है कि न्यूटन रैफसन स्टैंडर्ड फार्मूला, इसमें क्या चाहिए एक्स एन, ये सारी वैल्यू आपने निकाली हुई है, सिंपल डबल ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड आउट करो, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड आउट करो, यहाँ पे आपने फर्स्ट ऑर्डर निकाला था, यहाँ पे सेकंड ऑर्डर भी निकाला, एफ डबल प्राइम ऑफ एक्स, उसको भी वैल्यू को निकालें और उसके बाद इसमें करेंगे इंशाल्लाह इसी इसी जो एक्स नॉट के साथ सेम चेक, तो वही एक्स नॉट करना ना, उसी एक्स नॉट के साथ इंशाल्लाह ये थर्ड आइटेशन पे जाके आपके पास सेम। कितना डेसिमल प्लेसेस तक करेंगे सर? आप उसको इतने डेसिमल प्लेसेस पे फेस करा देना, यानी 7 पे 7 पे कर दे, ताकि कंपेयर करें ना कि कितना जल्दी होता है। ये मैंने फार्मूला सारा बना दिया है, जस्ट यू हैव टू सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ एक्स नॉट व्हिच इज जी सर, मीन आपने किस किस दो वैल्यू का